सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। तो गाइस हम सबसे पहले ये लड्डू बनाते हैं, ये मोतीचूर लड्डू है और आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से मार्केट की जैसा है। तो चलिए बनाते हैं और इस दिवाली में लक्ष्मी और गणेश जी को ये हम बना के अपने हाथों से अर्पण करेंगे। तो आप जरूर बनाइए घर में ये लड्डू। तो आप देख सकते हैं ये मार्केट भी जैसा है और ये कितना अच्छा लग रहा है, कोई नहीं कह सकता कि ये मार्केट के लड्डू नहीं है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और चलिए बनाते हैं मोतीचूर के लड्डू। तो सबसे पहले मैं एक कप बेसन लूंगी, इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। तो लड्डू बनाने के लिए एकदम स्मूथ बेसन चाहिए। तो हमारे एक कप से ये बेसन पड़े हैं और इसी कप के बराबर हम आधा कप शक्कर ऐड करेंगे। तो ये मैंने शक्कर आप देख सकते हैं ले रखी हूँ, साथ में मैं छोटी इलायची ली हूँ, कलर लिया है मैंने ऑरेंज, उसके बाद से पिस्ता है और उसके बाद से ये थोड़ा सा गोल्डन मैंने रखा है लड्डू पे लगाने के लिए। तो चलिए अब आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको बराबर में चलाएंगे। तो हमें थोड़ा ही थोड़ा पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं डालना है। आप देख सकते हैं कि मैंने कप रखा है क्योंकि इससे आपको मेज़रमेंट करने में आसानी रहेगा। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल लम्स ना पड़े। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और उसके बाद से हम इसे बैटर को मिक्स करेंगे। तो मुझे एक डायरेक्शन में इसको चलाना है। तो लड्डू बहुत ही इससे अच्छे बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लम्स बिल्कुल नहीं है और ये कितना स्मूथ है। इसी बैटर पे इतना चाहिए, यानी पानी हमारे बहुत ही कम लगे। मैंने भर के लिया था, आपको दिखा सकती हूँ कि ये कितना पानी मैंने लिया है। ये आधे से भी कम पानी इसमें मैंने ऐड किया है और देख सकते हैं कि बैटर भी स्मूथ हो गया है। तो चलिए अब आगे के प्रोसेस पे। ये मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है, अब हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। वैसे भी बूंदी के लड्डू देसी घी में ही अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि घी हमारे गरम होने रेडी हो गए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने ऊंचा कुछ चीज़ रखा है ताकि मैं झाड़ू तो ऐसे ऐसे तो ये नॉर्मली हो, और मैंने इस पर कपड़ा डाल रखा है। ये मेरा जग है तो इजी वे में घर में आसानी से बन जाएगा, इसलिए मैंने जग रखा है। साथ में मैंने ये झार लिया है। तो अब हम चलते हैं बनाने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके गिराएंगे और आप देख सकते हैं कि अपने आप ये गिर रहा है बस। तो इसी बेस पे हमको गिराना है और होल्ड करके रखना है। ये अपने आप ही गिर रहा है, हमें इसे ज़बरदस्ती नहीं गिराना है। आप देख सकते हैं कि वैसे भी गिर रहा है। तो इसी बेस पे हमको बूंदी के लड्डू रेडी करने हैं। देख सकते हैं कि ये अपने आप निकल रहा है। तो बस अब हम इसको साइड करते हैं और इसे छान के निकालते हैं। अब झार को साफ़ कर लीजिएगा क्योंकि जब दोबारा गिराए तो फिर अच्छे से गिरे, इससे हमारे एकदम बाजार जैसे बनेंगे। देख सकते हैं कि ये मेरे रेडी हो चुके हैं। अब इसी बेस पे हम इसको निकाल लेंगे। तो बस इसी बेस पे हम निकालेंगे इसे, और हम इसे इसलिए रखे हैं ऐसे कि ताकि हमारे जितने घी हैं वो नीचे गिर जाए, निकल जाए। तो मार्केट में भी ऐसे ही बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने छोटे छोटे हुए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए अब आगे के प्रोसेस पे हम लोग चलते हैं। तो मैंने यहाँ एक पैन लिया है, इसको गरम कर देंगे। हाफ कप शक्कर, साथ में एक कप पानी, और इन सबको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा केसर ऐड कर देंगे, इससे हमारे लड्डू फ्लेवरफुल लगेंगे और खूबसूरत भी लगेंगे देखने में। साथ में हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। तो ये मैंने थोड़ी सी इलायची पाउडर डाला है, इससे स्वाद अच्छे आएंगे और उभर के आएंगे। और इसके बाद से अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे। तो कलर मैंने पाउडर वाला लिया था, ये मैं थोड़े से कलर इसमें ऐड करूँगी ताकि हमारे पूरे ऑरेंज कलर के फ्लेवर आए मार्केट जैसे। और इन सबको अच्छी तरह से हम पका लेंगे। जब तक कि शुगर पूरी अच्छी तरह से पक ना जाए,
तो इसे हमें चाशनी नहीं ज़्यादा तैयार करना, बस इतना कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, कि जितने में लड्डू बंध जाए। देख सकते हैं कि चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है और मैंने इतने ही बेस पे छोड़ा है। आप देख सकते हैं कि साइड साइड में कितने इजी वे में हो जा रहा है और इसकी चाशनी गाढ़ी भी थोड़ी हो गई है। बस इसी बेस पे हमको गैस को बंद करना है और इसके बाद हमें थोड़ी सी चाशनी जब थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए तो बस ये हमारे जो लड्डू हैं बूंदी के, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। तो हमने चाशनी में लड्डू ऐड कर लिए हैं और इसे हम एक मिनट के लिए चलाएंगे कि ताकि हमारे थोड़े से फूले फूले हो जाएं। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा है और साथ में ये लड्डू भी देखने में अच्छे लग रहे हैं, लग रहे हैं ना मार्केट जैसे पूरी तरह से। तो बस इस दिवाली आप लड्डू बनाइए और अपने भगवान को खिलाइए और ख़ुद भी खाइए, दोस्तों को भी खिलाइए। तो गैस को बंद करते हैं और इसे थोड़े देर के लिए ठंडा होने देते हैं। पिस्ता मैंने ऐड कर दिया, साथ में हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है, आप चाहो तो इसमें काजू कट करके भी डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा डालिए और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो बस अब हमारे लड्डू बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो ये हमारे मिक्स वेल अच्छी तरह से हो गए हैं और अब हम इन्हें हाथों से बनाते हैं। तो ये हम गोल बना लेंगे, इसी तरह से हम सारे लड्डू को रेडी कर लेंगे। दिवाली आप ये ट्राई करिए, घर में बनाइए और दोस्तों को खिलाइए, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स और इंजॉय करिए। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन पे बटन दबाइए ताकि जो भी मैं बनाऊँ वो आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।